नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजस्थान के अलवर क्षेत्र के कस्बा मलखेड़ा गांव में विधानसभा चुनाव रैली के दौरान हनुमान जी को दलित कहे जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री के बयान के हनुमान जी को दलित बताए जाने के बाद विपक्षी पार्टियों के राजनेताओं ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसके चलते राष्ट्रवादी समान अधिकार पद यात्रा के जिला प्रभारी निशान चौहान ने अपने सेकंडों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की तहसील सिकंदर राव में पहुंचकर उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार प्रवीण शर्मा को किया। तहसीलदार प्रवीण शर्मा को भगवान हनुमान जी का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया। आवेदन में हनुमान जी के पिता का नाम केसरी महाराज व माता का नाम अंजनी व उनकी जाति में क्षत्रिय वर्ण होने का उल्लेख जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन करते हुए मांग की है। जब प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री यदि भगवान हनुमान जी की जाति बता सकते हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी जारी कर सकते हैं। प्रदेश सरकार भगवान हनुमान जी का सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी किसी का भी प्रमाण पत्र जारी करते हुए भगवान हनुमान जी की जाति को लेकर चल रहे विरोधाभास को समाप्त करें। निशान चौहान ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों राजनीतिकरण के चलते समाज को तो जातियों में पहले से ही बांट चुके हैं, किंतु अब ये प्रदेश सरकार ने राजनेता भगवान हनुमान जी की जाति बताने के पीछे नहीं है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की भाजपा सरकार देवी देवताओं की जातियों बता रही है। जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है तब से देवी देवताओं पर अपमान किया जाना आम बात हो चुकी है। चौहान ने कहा कि देवी देवताओं की जातियां बताने का ठेका लेने वाले भाजपा राजनेता अपनी आदत से बाज नहीं आए तो आराध्य हनुमान जी के भक्तगण आगामी लोक चुनाव सभा में उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। देवी देवताओं को जातियों का विभाजित कर हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का कृत्य किया गया है, जिसे जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों ने तहसीलदार सिकंदर राव को हनुमान जी की जाति प्रमाण पत्र करने के लिए आवेदन दिया है, जिससे कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि हनुमान जी दलित है। उसी के बाद भुक्कल नवाब ने बयान दिया हनुमान जी मुसलमान हैं। जाट समाज के मंत्री जी ने बयान दिया कि हनुमान जी जाट हैं। आखिर हनुमान जी की जाति क्या है, ये स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने आज तहसीलदार सिकंदर राव को हमने ज्ञापन दिया है, आवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी जाति प्रमाण पत्र जारी कर पूरे प्रदेश में, देश में जो भ्रांतियां फैली हुई है जाति को लेकर हनुमान जी की, वो जाति भ्रांतियां स्पष्ट हो सके। और मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा इस देश की जनता से, जनार्दन से और खास करके प्रदेश सरकार से कि ऐसे बयानबाजी ना करें जिससे हमारे हिंदू धर्म को ठेस पहुंचती हो। एक वोट बैंक की लालच के लिए, एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहे जातियों में बांटने में।